अनुपमा में लगने वाला है वनराज पर 80 लाख के चोरी का इल्जाम। दरअसल आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा का पूरा परिवार गृह प्रवेश में पहुंचता है, लेकिन सभी परिवारों की वालों की काफी यहां पर बेइज्जती करते नजर आती है बरखा। लेकिन अनुपमा और अनु साफ कह देते हैं कि अब इन घर परिवार वालों को इस घर में आना जाना लगा रहेगा, इसलिए वो उसको सबको याद रखें। और बरखा की सबके सामने बेइज्जती कर देती है अनुपमा, जिसके बाद यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पूजा को लेकर भी बरखा और अनुपमा के बीच में काफी तमाशा होने वाला है और अनुपमा पार्टी को रोक कर पहले गृह प्रवेश की पूजा करवाने में इंटरेस्टेड होगी, जिसके चलते यहाँ पर बरखा को बहुत बुरा लगेगा कि ये मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास ही रहेगी। तो वहीं पर देखने मिलता है कि सबके सामने यहाँ पर बरखा को ऐसे लगता है कि उसने बेइज्जती सी हो गई है। तो वहीं पर अब अनुपमा का 80 लाख का ये हार जो कि गायब नजर आएगा घर से। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलेगा कि अनुज ने जो तोहफा अनुपमा को दिया है वही हार का चोरी का इल्ज़ाम वो लगाते नजर आएगी वनराज पर। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आएगा जब वनराज वगैरह के दिए हुए तोहफों को अब यहाँ पर बरखा टेबल के नीचे रखवा देती है और ये वनराज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है क्योंकि उनको मिडिल क्लास फैमिली है और बरखा इस सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। देखने को मिलेगा इसी के चक्कर में यहाँ पर वनराज को बहुत बुरा लगने वाला है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर बरखा वनराज पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाते नजर आएगी कि वो घर में जो हार गायब हुआ है कहीं अनुपमा के परिवार ने ही तो गायब नहीं किया है, और इसी बात पर यहाँ पर अनुपमा बहुत बुरी तरह से भड़कने वाली है और वनराज की साइड लेते नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलेगा कि अनुपमा वनराज की साइड लेते नजर आएगी और अनुज भी यही कहते नजर आएगा कि भाई वनराज ने कोई भी चोरी नहीं किया और ना ही ये परिवार ऐसा है जो ये चोरी कर सके, ये परिवार हमारा ही है, अब तुम इस पर घटिया इल्जाम लगाना बंद करो। तो देखने को मिलने वाला है काफी कुछ तमाशा जहां पर अब बरखा अनुपमा है के ही परिवार को ढाल बनाकर अनुपमा को अनुज से दूर करने की कोशिश करेगी।